गुड इवनिंग गाइस। तो अभी ना टाइम हो गया है, 7 7 बज गए हैं। मैं अभी बस जोत लगा रही थी। तो निखिल ना क्या कर देखो रहे हैं? हमारे देखो कहीं कहीं मैम, ना कलर कलर उतरा हुआ है, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। कहीं ना इन्होंने बर्थडे पे बैलून वैलून चिपकाए, हमने कहीं फोटो चिपकाई फिर उतारी, तो वहां पे ना थोड़ा सा गंदा सा लग रहा था। तो निखिल अभी कलर लेके आया हूँ। देखो और हमारे ये तो देखो मैं भी कर रहा घर हूं। में ना पेंटर बन रहे हैं सारे के सारे। अब मैं देखो मैं भी वैसे कर रहा हूं। तो हाँ वैसे तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं उतरा हुआ है ना, तो करवाएंगे नहीं, खुद ही कर रहे हैं निखिल। देखो करवाएंगे इसलिए नहीं, क्योंकि ज्यादा टाइम तो आप इस हमेशा मकान में किसी रहना नहीं ना है ना किसी दिन निखिल, सुधर। इसलिए नए मकान में जाएंगे तो करवाएंगे। इसलिए ये देखो निखिल कर रहे हैं कलर। अरे प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन बस थोड़ा काम चलाऊं तो हो ही जाएगा। लेकिन निखिल पता है क्या, देखो ये वाले है ना, मैंने कुछ चिपकाया था यहाँ पे टेप से है ना, तो उनके बैलून चिपकाए थे बर्थडे पे ननू के, तो देखो निशान रह रहे हैं। हाँ। तो पहले आप ऐसे करो, टचअप करो पहले है ना। अच्छा तो किया है इनको, एक्चुअली ना ऐसे खुरच के स्क्रैप ऑफ नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा अनइवन हो जाएगी फिर दीवार, फिर और भी गंदा लगेगा। तो ये सूखने के बाद थोड़ा बहुत जो लाइट होगा बस उतना ही कर सकते हैं एक बार, नहीं तो तरीका तो यही होता है कि इसको पूरा। नन्नू भी लग रहा, नन्नू तुम रहने दो, और बेटा जैसा घर है वैसा तो रहने दो इसको। रुको इसको मैं नन्नू तो और बिगाड़ रहा है सुधा। ना, मैं फिनिशिंग टच दे रहा हूँ। और ये नन्नू, नन्नू भी हमारे पेंटर बन रहा है। मैं पेंटर निकली इसकी बन, खुशबू नहीं आ रही है ना, खुशबू वाला मुझे क्या इसलिए वो कली अच्छी लगती है, वो सफेदी है ना है? कली। उसमें तो ना ऐसे हाथ डालते ना एकदम से धुआं धुआं सा निकलता था जल, वो आप थोड़ी होता है, वो सफेदी नॉर्मल सफेदी उससे तो है। हाथ भी जल जाता था हमारे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे है, और ये भी हमने किया था पिछले बार, थोड़ा थोड़ा ऐसे है ना, थोड़ा किचन में है तो थोड़ा मार देते हैं तो सही है। ये ब्रश से भी फर्क पड़ जाता है पता है। अभी थोड़ा गीला है ना, अगर सूख जाएगा ना उसके बाद जरा पता लगेगा कि असल में कितना फर्क पड़ा। मैं भी करूंगी किल। देखो हाँ ठीक है, मैं इतने छोटे बच्चे से मुझे तो करूं, बहुत अच्छा आता है वैसे ही करना पता है। पुंजड़ आता है आपको तो, पेंटिंग की स्पेलिंग आती है। आपने मेरे को लगता है अभी थोड़ा अभी नन्नू, सूखेगा ना, सूखने के बाद थोड़ा पता लगेगा, सूख जाएगा थोड़ा सा। इसलिए ऊपर ऊपर रगड़ते मत रहो हाँ इसको, रगड़ नहीं रहा ना, एक बार करके इसलिए हम। पंखा बढ़ा दो। हाँ ऐसा करो पंखा बढ़ा दो निखिल। अनन्नू एकदम पीछे मत होना लो बेटा, इतने में ना प्लीज। जोत लगा रहे हो। वैसे तो पूरा घर हमारा ना एकदम साफ सुथरा मैं एक लग बार रहा है, फिनिशिंग लेकिन टच जहां जहाँ कलर उतर रहा है ना वहां थोड़ा सा बस गंदा लुक आ रहा है ना, तो वहीं को हम उस लुक को ही सही करने में लगे हुए हैं। देखो और तो यहाँ पे तो चलो ठीक है, चल जाएगा थोड़ा। साइड साइड की फिनिशिंग टच दे रहा हूँ। यहाँ पे बस ये व्हाइट वाला था और यहाँ ये लग रहा है, तो ये तो ठीक है। तो आप करते रहो और आप थोड़ा सा ही सूखने के बाद देखते हैं कैसा लगेगा। कितना प्यारा। दिखाओ इधर, देखो नन्नू लग रहा है नन्नू। निखिल अब तो थोड़ा सा मैनेज करने के बाद तो फिनिशिंग आ गई, जब से मैंने किया ना। देखो गाइस ना जब से मैंने मैंने किया किया। कितना अच्छा हुआ, वाओ पूरा अलग ही दिख रहा है मेरे करने के बाद। अबे देखो और देखो हर जगह रगड़ रहे हैं कैसे। नन्नू मैं कर रहा हूँ बेटा, वहां वैसे पे हमारे घर का मैं लुक तो करूंगा। अभी थोड़ा थोड़ा चेंज लग रहा है। निखिल पीछे भी कर लेते हैं दीवार पे, वो सूरज वगैरह वो क्या टंग रहा है ना, हाँ उधर भी उस पर करूंगा। थोड़ा होगा फिर हाँ अच्छा लगेगा है ना। रुको 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 एक बार, और निखिल आप क्या कह रहे थे, कौन सा ये व्हाइट है? हाँ ये वाला व्हाइट है, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ये वाला व्हाइट है। और यहाँ पे तो नहीं होगा ऑरेंज वाला मैं, लेकिन इस पे हो गया, इस पे काफी अच्छा हुआ है, थोड़ा गाढ़ा है शायद है ना। थोड़ा किया है गाड़ा। थोड़े से पता है, थोड़ा सा करने से भी इतना फर्क पड़ता है पता है। इधर देखो निखिल नैनू खराब कर रहा है। खराब ही करूंगा नहीं अम्मा। बेटा, अरे नैनू देखो गाइस क्या, अरे नैनू को गुस्सा आ रहा, मेरे मुंह पे लगा रहा था। है नैनू कैसे कर रहा था, दिखा मेरी तरफ। वाह ये देखिए गाइस, मैंने ये सारा एरिया कवर कर दिया। नैनू ना जैसे जैसे ये थोड़ा छिल रहा है ना,
यहाँ पे जैसे ये हट गया है, यहाँ पे जैसे ये हट गया है, यार जाओ मतलब निखिल इसको क्या कर बोलते हैं, पुट्टी कर रहा है वाह ये बहुत प्यारा हो गया गाइस आप भी बुला सकते हैं निखिल से करवाने के लिए, रिंग रिंग कॉन्टेक्ट नंबर नीचे डाल दिए जाएंगे अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, अपने घर में कर रहे हैं वही कम थोड़े है नहीं, मुझे भी बहुत मस्त लगता है ये, पहले तो वो भारी सी कुच्ची सी होती थी उससे करते थे ना, इतने हाथ रह जाते थे, टच अप खुद कर सकते हैं हाँ बस, लेकिन पूरा ऊपर तक कलर नहीं कर सकते हाँ। अब देखो मैं भी टच अप ही ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा फिर ना किचन में करेंगे है ना, कहीं कहीं डार्क 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 लग रहा है तो उसके बाद किचन में करेंगे, और मैंने वहां बिखेर रखे हैं कपड़े क्योंकि नन्नू का ना कुर्ता नहीं मिल रहा मुझे, ये सामने वाला रूम का तो सही है निकले एकदम कलर है ना मस्त लग रहा है इसका तो, और इस रूम का भी ठीक है, चलो बस वो हाँ एसी की वजह से सीलन आ गया उसकी वजह से थोड़ा सा वो लग रहा है, ये बाद में सूख जाएगा देखो, अभी निखिल ने देखो इस दीवार पे किया है हमने, देखते हैं अभी तो 8 भी नहीं बजा, 9-10 बजे तक कर देंगे आज हाँ, और अभी हाल है क्योंकि कुछ ना बाहर वाली बालकनी में भी करेंगे, देखो तो गाइस नैनू देख लो एक बार, एक बार तो देखो लेकिन हमारा पेंटर आपके दिखाओ निकल तो ठीक है, ग्लव्स पहन के करना चाहिए निकल, रफ कपड़े पहन रखे हैं थोड़े, चलो होने के बाद आपको भी दिखाते हैं गाइस कि कैसा पेंट कर रहे हैं निकल, पेंट के साथ साथ मेरा काम भी बढ़ा रहे हैं, क्या क्या इस ऑरेंज पेंट के ऊपर है ना निकल ने व्हाइट मार दिया, वो अलग से ही दिख रहा था, मैंने इस कपड़े से इतना मुश्किल से गीले कपड़े से साफ किया है, देखते हैं अभी सूखने के बाद, क्यों निकल कैसे मन के मुझे चल रहे ऐसे ऐसे नहीं निकल, ये देखो और निकल ने मारा क्यों कह रहे हैं कि ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, लेकिन जैसा पेंट होता है ना वैसा ही ऊपर किया जाएगा, अदर पेंट पे कोई भी कलर करेंगे आप तो वो ज्यादा गंदा और दिखेगा, जैसा है काश भगवान ये जैसा है वैसा ही बन जाए वापस, आप लोग बच्चों की तरह और तुम बड़ों की तरह, निखिल तो इस दीवार को पूरा लिख के रहेंगे निखिल पीछे वो वाली है जो उस पे भी मैं करूंगी, अब मैं करूंगी निखिल थोड़ा ठीक है, अब थोड़ा बहुत मैं करूंगी, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तो सूख रहा है, अच्छा हुआ मैंने ये पोंछ दिया, इतना गंदा दिख रहा था ना मैंने आके देखा तब, क्योंकि ये दीवार तो बिल्कुल सही लग रही है ऑरेंज वाली तो पूरी, ये लाइट भी मैंने लगाई थी कितनी मस्त, तो आज हमने मंगवाया मैस से खाना, और मैस के खाने में ये तो चिकन जैसा लग रहा है, ये क्या है निकल चिकन थोड़ी है आलू है, पहले खाना खाएंगे गुलाब जामुन खुद बनाते हैं पता है हाँ, आराम से पहले खाएंगे खाना उसके बाद काम चालू होगा फिर से, इतने सूख जाएगा राइस हमेशा बनते हैं है ना, और छोले हैं हाँ ये छोले हैं हाँ छोले ही हैं, दो तीन तरह की मतलब ये अच्छी बात है कि दो तीन तरह की सब्जी और दाल रहती है, जिसको जो अच्छा लगे वो खा लो वो फ्रेश रहता है ना, ये क्या सही है चलो खा लेते हैं चम्मच से, तो गाइस पहले खा रहे हैं खाना, खाना खा लिया खाना खा के फिर से लग गए, खाना सही में मैस का इतना स्पाइसी था आज, मुझे इतना कुक चेंज हुआ है क्या लड़कियों कैसे खा रही हो इतना स्पाइसी खाना माय गॉड पहले इतना अच्छा खाना खाता था क्या हो गया, कोई स्पाइसी खाने वाला आ गया है इतना स्पाइसी खाना खा रही है लड़कियां, मैं तो छोला दो छोले खाए हैं मुश्किल से अंदर जाने इंडिया में, वो निकल देखो ये उतार नहीं रहे वो निकल दिखा 8:30 तो हो गए हैं अभी, देखते हैं कितना टाइम और लगेगा हमारे घर, ये तो बहुत अच्छा ये तो काफी सुंदर लगने लग गया है पूरा एकदम प्योर व्हाइट है ना, 24 घंटे आराम से हो जाएगा 24 घंटे यहाँ तो तू करता रहे पूरी रात,
और ये वाला देखो निखिल ने क्या किया था, तो मैंने पोंछा, ठीक है ठीक लग रहा है मतलब। और गाइस एक चीज देखो मैं आपको एक बताती हूँ, ये जो कर्टिन है ना, ये जो कर्टिन धोए थे है ना मशीन में, तो शायद दीदी ने ना मैंने इनको ऐसे बांध रखा था इन कर्टिन को ऐसे, तो बंदे बंदे शायद अंदर डाल दिए मशीन में, तो एक तो मैंने इतनी मुश्किल से सही कर लिया है, लेकिन ये जो एक है ना ये वाला, ये तो चिड़िया का घोंसला बन के रह रहा है। दिखाओ। इसको कोई भी कितने लोग लग गए, लेकिन आपने भी सही कर, नैनू नो नो नैनू नैनू नो बेटा नो, निखिल देखो नैनू मान नहीं रहा है। तो ये है ना कोई भी इसको, निखिल ने नैनू ने मैंने मैंने फिर भी थोड़ा सही कर दिया था, निखिल नैनू ने इसका और घोंसला बना दिया, इतना गंदा लग रहा है, कैसा लग रहा है इसको भी सही करना पड़ेगा। हमारा ये वाला कलर निकला है उस कपड़ों में से, इस कलर की टी शर्ट मुझे बड़ी अजीब लगती है, ये ठीक है बच्चों पे चल जाता है, अदरवाइज थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ये वाला कलर कड़ी जैसा बन रहा है। मैंने ना अपना काम बढ़ा लिया है, देखो रात के 9:15 बजे मैं नैनू का एक कुर्ता ढूंढ रही थी, लेकिन कुर्ता तो मिला नहीं, और मैंने ना पूरी अलमारी बिखेर दी है। नैनू को तो क्या है, इसको ना कल कुर्ता पहन के जाना है, आज मार्केट जाना था लेकिन मेरा मन नहीं किया कि वरना और नया ले आते, तो बस अभी इसको वही पहनना आना पड़ेगा, लेकिन मिल नहीं रहा है, वो भी कहाँ पे है, इसके 2-3 कुर्ते हैं, वो बिल्कुल एक भी नहीं मिल रहा मुझे, मिल ही नहीं रहा है नू, नहीं मिल रहा। बस इस बहाने ये है कि ये अलमारी नहीं छेड़ी थी मैंने, वो भी हो जाएगी बस दीपावली पे, अमन निकालना है तो निकालना है, पहले ही बोल दिया। लेकिन नन्नू अगर कुर्ता नहीं मिलाना तो कल स्कूल बंद, ना मैं जाऊंगा कल स्कूल और गोट डांस कॉम्पिटिशन जीत के आऊंगा। ओरे तो वो बिना कुर्ते के नहीं होगा? हाँ नहीं होएगा बिना कुर्ते के, अच्छा नहीं लगेगा, स्कूल ड्रेस पहने क्या होगा बालों की तरह। ओहो दिखाओ शक्ल ऊपर, तो वो कुर्ता ढूंढ ले जा खुद ही। हाँ और ये गेम बंद कर दे बेटा। तो हमारे अभी, और वाह निखिल वेरी गुड, आपने तो पूरा लुक चेंज कर दिया घर का। हाँ। वाओ आप दीदी ताली, थोड़ी फिनिशिंग अच्छी नहीं है बस, सॉरी निखिल। फिनिशिंग तो पब्लिक, वो देखो बीच में पट्टे से दिख रहे हैं वो। हाँ, वो सूखे नहीं है अभी, ये तो अच्छा गीला है वो। हाँ। और फिनिशिंग तो दीवार की खुद की अच्छी नहीं है, उबड़ खाबड़ सा है। हाँ। प्लास्टर नीचे से प्लेन नहीं है। हाँ नैनू दिखा अभी निखिल, आपको पता है दोनों कमरे बिखर गए फिर से, आज पूरा घर बिखर गया। हाँ दे रही हूँ, वो तो दिया था आपको। नैनू एक सेकंड बस, इसके नीचे जींस पहन लेगा, इस दुपट्टे को ढूंढने में ना सारा घर बिखर गया हमारा। धन्य है नैनू, लो मैं कपड़ा लाके दे रही हूँ, अच्छा लग रहा है लेकिन काफी है ना नैनू, सही है। प्लस्तर ही तो बोलते हैं इसको ना, नहीं जो नीचे जो सीमेंट का जो लेयर है, और वो उतार दिया ना तो अच्छा सा लुक आ रहा है, क्योंकि वो ओल्ड सा लग रहा था बहुत, एक पक्षी तो रह गया। खैर कोई बात नहीं, जो मैं ला रहे हूँ सीमेंट है ना, जो बैग मतलब जो प्लास्टर है एक्चुअली वही प्लेन नहीं है, तो हम क्या करें। हाँ उसकी फिनिशिंग नहीं है अच्छे से, टूटी भी जो पहले लगा रखी थी वो सही नहीं लगी। तो गाइस हमारे घर का आज फिर एक नया लुक देने जा रहे हैं निखिल। अच्छा और यहाँ पे देखो नैनू की वजह से ये पूरा बेड बिखर गया, और ये बेड हमारा पूरा बिखर गया, और यहाँ पे रखा मैंने दूध। अब बब्बी की बारी, मुझे लग रहा है कि गाढ़ा बन रहा है थोड़ा, पानी डाल तो लिया बल, और ठीक है ये देखो ये बाल से इसके, बाल तो हटाओ ना अभी से, फिर ऐसे नहीं ऐसे नहीं, नहीं वो नहीं है शायद, ये ब्रश के ही है ना। नन्नू ने डांस की प्रैक्टिस कर ली है। नन्नू क्या दोनों कमरे बिखर रहे हैं, तो मन नहीं कर रहा सही में वो करने का। नन्नू यार इतना अच्छा कर दिख रहा था, ऐसे करना चाहिए खिला आपको, इस पे आपने ज्यादा सीधा कर दिया ना। तो बोल ठीक है, तभी तो तुम्हें दिया था कि तुम भी कर सको। मैं करूँ ना? तू रहने दे बस, ठीक है करा देंगे अभी थोड़ी देर रुक जा, अभी तो बहुत सारा बच्चा है बेटा, वो तो ऐसे भर भर के उनके छींटे भी लगते रहते हैं, तो हमारे छींटे ज्यादा नहीं लगने चाहिए, इतना वो नहीं करना हमें।
वाओ मैं तो बहुत प्यारा कर रहे हो आप, बस डीप भी नहीं कर रही आप, तो बस ब्रश घुमा रही हो स्टेज में। बबली द पेंटर टाइम भी दिखाओ। आज तो पूरा घर हमारा बिक गया आपको से 10 बज रहे हैं लेकिन निकल लिए मेरा किया, मुझे बहुत अच्छे से करना आता है, बस एक कर दो बापी। हाँ तो इसमें इतना मुश्किल नहीं है, टच अप ही तो कर रहा है, ऊपर ऊपर बस हल्का सा कर रहा है। नहीं किसी किसी के हाथ देखो, किसी किसी को ना करना नहीं आता है ये, इसको किस तरीके से किया जाता है किसी किसी को ये नहीं पता। बब्बी को पता है ना? हाँ बहुत। ये बब्बी अरे छींटे लगेंगे तेरे को। ये वेरी गुड बब्बी, कमाल। जब तक ब्रश ऐसे नहीं बोलता ना समझ लो पेंट नहीं होना, पता है ये बात। जब तक ये आवाज नहीं आती। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे की मॉर्निंग को नैनू चला गया स्कूल, क्योंकि नैनू का आज है हाफ डे, कुछ प्रोग्राम है उसके स्कूल में, और हम सोए थे रात को इतना लेट, सारा ये कलर वलर करके बहुत पूरा घर फैल गया था, पूरे कपड़े समेटे सारा, यूं लग रहा है फिर से दीपावली की सफाई होनी शुरू हो रही है हमारे घर में, तो इतनी थकान लग रही है ना अभी भी। और सुबह उठते हैं हमारे फिर से पेंटर आ गए हैं, पेंट कर रहे हैं हमारे किसी को भी करवाना हो तो कॉन्टेक्ट नंबर नीचे डाल दिया जाए। छुट्टी लेनी पड़ेगी इसी काम के लिए, क्योंकि बच गया था थोड़ा। तो गाइस पेंटर थोड़ा अभी नए नए सीख रहे हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा वो मत करिएगा, लेकिन सीख जाएंगे धीरे धीरे, हम थोड़ा सिखाने की अच्छे से कोशिश कर रहे हैं। अरे निखिल और अब निखिल मुझे बोल रहा है कि तुमने इसमें ज्यादा पानी डाल दिया, तुमने इसका ज्यादा पतला बना दिया है घोल, तो ये तुम्हारी वजह से खराब हो गया है, अब हो नहीं रहा। क्या टाइम लग रहा है ना, देखो कोट बहुत लाइट आ रहा है, और जो रात को किया था उसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि ये किया था मैंने, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और एक किचन में किया था ना, किचन में उधर किया था, अभी पूरा घर फैला हुआ है, और यहाँ पे किया था रात को, और यहाँ पे किया था, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सोनू पढ़ाई कर रहा है ना सर, यहाँ करने के बाद करेंगे थोड़ा सा बाहर, क्योंकि आज वहाँ पे लाइट वाइट लगाएंगे हम लोग, तो बाहर करेंगे। निखिल प्लीज इसलिए जल्दी कर लो, क्योंकि आज ऐसे लग रहा है फिर से हम दोबारा सफाई कर रहे हैं दिवाली की, पूरा घर फिर फैल गया, बहुत गंदा लग रहा है। और यहाँ पे लगे हैं मशीन जो दीदी धो रही है कपड़े। तो हमारे यहाँ पे चल रही है बाहर के, यहाँ सबसे गंदा हो रखा है, बाहर गंदा ज्यादा भी होता है, थोड़ा तो मान देते हैं, इस पे हाथ लग लग के, हाथ लग लग के बहुत गंदा हो रहा है ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा उस दिन। ये देख बच्चों ने हाथ लगा लगा के कितना गंदा कर रखा है, निकली बोर्ड के घर में बच्चे क्या करते रहते हैं। ओहो अच्छा ही चल रहा है हमारे यहाँ तो, काफी मेहनत की जा रही है। उधर तक नहीं, बस इतने ही तक ठीक है। मेरा ब्रश चलाने का स्टाइल है ना, हाँ अच्छा है तुम्हारा ब्रश चलाने का स्टाइल। साथ मैं ना ये हटाती जा रही हूँ, क्योंकि बाद में शायद हटेंगे नहीं है ना, अभी भी देखो थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है हटना। कपड़ा वो कागज का था, कागज का था। हाँ अभी बाहर हो गया है कुछ हटना, अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ से अभी शूरक है, वो शूरक वगैरह सब हटा दूंगी, चेयर वगैरह, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। सफाई नहीं, सफाई नहीं, सॉरी, तो हमारे यहाँ पूरा कलर हो गया है, और बल्कि 10:30 ही हुआ है, क्योंकि रात को 12 बजे तक लग रहा था, तो इस खुशी में
डीपली है ना, मस्त है ना। हमारा पेंट हो गया फिनिश और बस अब घर की सफाई बाकी है। देखो हम कैसे बन रहे हैं, देखो है ना, देखो अंकिल ज्यादा मैंने किया ना। हाँ तुमने किया ज्यादा, तो बस अब लगनी बाकी रह गई है लाइट, तो अभी लगाएंगे बस लाइट आगे पीछे। कलर वलर सब हो गया है रेडी, और अभी मैंने बनाए हैं पुलाव। पुलाव मस्त वाले पुलाव देखो, वाओ कितना अच्छे वाले पुलाव, मैं ये सबसे अच्छे बनाती हूँ। और ये सब देखो कलर वलर सब किचन में, वरना यहाँ बहुत गंदा था है ना, हर जगह कलर वलर हो गया है। तो निखिल खा रहे हैं खाना, और नैनू भी स्कूल से आ गया है।